हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव आशीष यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और नए बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की वीडियो लेके। अब जैसा कि आपको पता है कि अभी बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया ने अपना बैन पैन वाला फीचर लॉन्च कर दिया है। अब लगभग आपको जो है गेम में हैकर बैन होते हुए दिख जाएंगे और यहाँ पर इन्होंने अपना ये नोटिस भी डाल दिया है। आप इवेंट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने जो है एंटी चीट नोटिस यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे ये बताते रहते हैं कि हमको कि इतनी आईडी हमने बैन कर दी, इतनी आईडी हमने बैन कर दी। लेकिन जब से मैंने एस टच किया है, मतलब जिस दिन से मैं एस से पहुँचा हूँ, उसमें लगभग एक दो मैच छोड़ के डेली उसमें हैकर आ रहे थे और इतने सारे हैकर आ रहे थे। फिर मैंने भाई इसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी हैकर से रिलेटेड बहुत पहले, फ्रेश लेथल वाला और इधर उधर सब, तो मैंने उसको छोड़ दिया चैनल। अभी एस हम लोग एस क्रॉस कर चुके हैं, अब इस पर रैंक कुछ नहीं करेंगे स्क्वाड में एस से ऊपर। और मैं चला गया था मिशन करने के लिए सोलो में, कि सोलो में थोड़ा सा अचीवमेंट वाला मिशन करने, आपको बताया कि वो डेड आई वाला और यहाँ पे जो है चिकन एक्सपर्ट का, तो इस तरह से मिशन करेंगे सोलो में। लेकिन पहला मैच लगाया मैंने, वो तो ठीक गया, कोई हैकर नहीं मिला, मैच ठीक ठाक गया, चलो चिकन डिनर नहीं हुआ था, टॉप थ्री में आ गया था मैं। उसके बाद भाई दो मैच मैंने लगाए और दोनों में लगातार हैकर, और हैकर वैसे वैसे नहीं, एक की तो 13 की केडी थी, एक की 8 की केडी थी, और मतलब पूरा मैच बर्बाद कर दिया। मैं आपको भी क्लिप भी दिखा दूंगा इसका। तो इन्होंने जो यहाँ पे डाला है कि हमने इतने अकाउंट्स बैन कर दिए, इतने अकाउंट्स हमने बैन, मतलब बैन तो हो रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बैन नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हैकर कम नहीं हो रहे हैं बीजीएमआई से। पता नहीं क्यों ऐसा क्या है कि मतलब कुछ कभी कभी मैच मुझे मिल जाते हैं लाइव बैन होते हुए दिख जाता है कि हाँ ये हैकर बैन हो गया लाइव यहाँ पे किल फील्ड में, लेकिन फिर भी गेम में हैकर मिल जाते हैं। एस पे आप अगर एस क्रॉस कर जाएंगे तो आपको एक दो गेम छोड़ के हर गेम में लगभग हैकर आपको मिलते ही मिलते हैं। आप भले आप हैकर से ना मरे, कोई दूसरा टीममेट मार दे आपको, लेकिन फिर लास्ट में आपको हैकर मिलना ही मिलना तय है, बिल्कुल एकदम 100% कन्फर्म है कि आपको एस लॉबी के क्रॉस जाएंगे आप तो आपको वहाँ पे हैकर मिल जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे मैं तो अभी इसमें सोलो में मैं प्लेटिनम पे था केवल, और प्लेटिनम पे आपको पता है कि अचीवमेंट वाला मिशन प्लेटिनम पे ही होता है, तो आप मैंने सोचा कि यार चलो छोड़ो एस वाला, उसको अभी छोड़ देते हैं, एस तो हो गया है, अभी हम जो है कर लेते हैं अचीवमेंट अपना कुछ। लेकिन फिर वहाँ पे भी दो मैच, तीन मैच खेला जिसमें दो में हैकर आ गए, फिर से पूरा जो है मूड ख़राब हो गया और अचीवमेंट मैंने छोड़ दिया। तो किस तरह से यहाँ पे जो बैन कर रहे हैं, यहाँ पे आप अगर इनके रैंक वाले सिस्टम पे जाएंगे, सॉरी यहाँ से हम जो है चलेंगे रैंक पे, और रैंक पे आप देखेंगे चाहे स्क्वाड हो, चाहे सोलो हो, चाहे डुओ, अभी आप देखेंगे कितने यहाँ पे बैन पैन पड़े हैं, सब बैन पड़े हैं, देख रहे हैं तो यहाँ पे सब पूरे बैन पड़े हैं। और जो नॉर्मल मैचेस में भी हैकर आते हैं, ये तो मतलब समझ लीजिए कि ये तो रैंक पे है इसलिए इनको ज़्यादा रिपोर्ट पड़ती है, तभी ये जो है बैन हो जाते हैं। अब यहाँ पे डुओ में देखेंगे ये जाट और यहाँ पे जो है मेंटल अजय, ये सब पूरे हैकर यहाँ पे पड़े हुए हैं, एक के फ्लैश यहाँ पे, सॉरी सोलो था। डुओ में यार देख लीजिए यहाँ पे भी आपको सभी हैकर, लगभग हैकर मिल जाएंगे। तो ये लोग तब बैन हुए जब लोग इनको देख रहे हैं, इनको पता चल रहा है कि हाँ जो ये हैकर है और इसलिए इसको ज़्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये लोग बैन हो जा रहे हैं। वैसे नॉर्मल अब इसको देखेंगे, ये जो है सीजन 19 का कॉन्करर क्वीन केडी, आप देखेंगे 10 की केडी है, आप लेजिट प्लेयर कैसे बोल सकते हैं इसको, और मैं आपको इसके स्टेट्स भी दिखा देता हूँ। और इसके आप जो है हेड शॉट का परसेंटेज देखिए 63% है, आप इसको लेजिट प्लेयर कैसे बोल सकते हैं। और यहाँ पे ये बैन भी नहीं हुआ, सोचो कि जब ये यहाँ पे मतलब कि आपके लॉबी पे मतलब आपके रैंक में पड़ा है, ये बंदा आपके रैंक में है टॉप लीडर बोर्ड में, फिर भी ये बैन नहीं है, 10 की केडी लेके आया बैठा है। उसके बाद यहाँ पर रोहन ओपी, इसको भी देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं 10 की केडी, इसकी भी देख लीजिए। तो किस तरह से बैन कर रहे हैं पता नहीं कैसा, मतलब इनका लगता है महंगा हैक होगा इसकी। आप देखिए मोस्ट फिनिश 34 और हेडशॉट परसेंटेज आप देखेंगे इतने जो है 56%, तो इनका लगता है महंगा हैक होगा जो अभी तक ये बैन नहीं हो पा रहे हैं। बाकी जो सस्ते हैक रहते हैं उनको ये लोग जो है किल फील्ड में बैन करके दिखा देते हैं कि यहाँ हमने इतने अकाउंट्स बैन किए हैं। तो ये थी आज वीडियो में, अगर आप रैंक पुश कर रहे हैं भाई, अगर सोलो में भी कर रहे हैं, आपका ट्रायल डाउट है तो भी आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आपको एक दो मैच अगर आप मुश्किल से दिन में छोड़ देंगे तो आपको हैकर लगभग मिलना तय हो जाएगा, आपको हर गेम में हैकर मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे जिसका गेम प्ले भी दिखा दूंगा, दो यहाँ पे गेम मैंने खेले थे और दोनों का आप जो है इसका केडी देख लीजिए, गेम देख लीजिए और इनका जो है कैसे कैसे किल कर रहे हैं, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि भाई इनको रैंक पुश करना चाहिए इसमें नहीं। बस यही थी आज की वीडियो आपके लिए, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ। और चैनल को अगर आप देखना चाहते हैं ऐसी और वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।